सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लेन बाजू को डेकोरेटिव बाजू में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। ये मैंने बाजू बनाने के लिए कपड़ा लिया है, ये इसकी उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड। इसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है क्योंकि मैंने इसको 5 इंच लंबा रेडी रखना है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में आता है और 1.5 इंच नीचे से फोल्ड हो जाता है। अब हम इसको सेंटर में से फोल्ड करते हुए रखेंगे। अब सबसे पहले बन साइड की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ये बन साइड है हमारी। अब हम आर्म होल का मार्क करेंगे। आर्म होल की जो लेंथ रखेंगे वो जितनी हमारी चेस्ट होगी उसका हम 1/5 पार्ट लेंगे, तो इस केस में हमारी 38 इंचेस हैं, तो उसका 1/5 हमारा अप्रॉक्सीमेट 7.5 इंचेस आ जाएगा। तो हम इस तरह से 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों निशानों को सीधा इस तरह से मिला देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए। अब हमने यहाँ से करीब 1/2 इंच की गोलाई देनी है, इस तरह से 1/2 इंच पे गोलाई देते हुए मार्किंग करेंगे। अब इस साइड से हम मोरी का मार्क करेंगे। इस केस में हमारी जो मोरी है वो 6 इंचेस रेडी है, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए, तो मैं 7.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब यहाँ से इसको हम सीधा मिलाएंगे। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ये बाजू कट चुकी है हमारी। अब हम इसको खोलते हुए रखेंगे और ये जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है इससे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई देंगे, जैसे हमने पहले बाहर की तरफ दी थी, इस तरह से एक साइड में देंगे। ये हमने इसलिए दी है क्योंकि ये जो साइड होगी हमारी बाजू की, ये कुर्ती के आगे वाली साइड में अटैच होगी और इस पर हम अब कटिंग कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके सेंटर में ऊपर और नीचे की तरफ दोनों साइड कट दे देंगे। ये बाजू की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। अब हम बाजू की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और इसमें तिरछी लाइनें इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये बाजू की मोरी वाली साइड पे एक साइड रखेंगे इंचेस टेप की, और यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ से 5.5 इंच पे इस तरह से तकरीबन 5.5 इंच तक तिरछी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये यहाँ सेंटर से। अब हम इस तरह से सीधी लाइन एक ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो लाइंस ड्रॉ करनी है, इन लाइन के जो बीच का गैप होगा, सेंटर का गैप, ये हम 1 इंच का रखेंगे। इस तरह से फिर हम 1-1 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसी तरह से इस लाइन के इस साइड में भी 1-1 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम इन पॉइंट्स पे स्केल की हेल्प से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से इस साइड में भी ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हम फिर से ये देखिए, अब मैं मोरी वाली साइड से 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये एक जस्ट आइडिया के लिए मार्क कर रही हूँ, आप जैसे भी इसमें जैसे चाहो वैसे इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। और इन लाइंस के बीच का भी गैप मैं 1-1 इंच का रख रही हूँ। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरी बाजू में कंप्लीट कर लेंगे। अब ये पूरी बाजू में पैटर्न ड्रॉ हो गया है। ये रॉन्ग साइड में किया है हमने, उल्टी साइड में, ये सीधी साइड है। अब हम इसमें जिस थ्रेड का यूज़ करेंगे, ये जो थ्रेड आती है जिससे हम रजाइयाँ वगैरह स्टिच करते हैं, जिसको मोटे वाली कॉटन की थ्रेड होती है, जिसको कि हम अट्टी भी बोलते हैं, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। ये जस्ट मैंने 5 रुपये में ली है, तो ये इसको हमने इस तरह से बॉबिन में डाल लिया है। इस थ्रेड को बॉबिन में डाल लेना है। ये देखिए, मैंने नीचे मशीन में नीचे ये वाली थ्रेड डाली हुई है और ऊपर की तरफ जो नॉर्मल धागा होता है, नॉर्मल रील, वो धागा डाला है। आप इसकी जगह पे एंकर थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है।
अगर आपको एंकर थ्रेड का यूज़ करना नहीं आता है कि किस तरह से यूज़ करना है या फिर इस थ्रेड को भी किस तरह से यूज़ करना है, तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है हाउ टू यूज़ एंकर थ्रेड या फिर एंकर थ्रेड का इस्तेमाल कैसे करें, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो उस वीडियो को। ये हम मोटे वाली थ्रेड जो है नीचे इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम इस पे स्टिच लगाएंगे तो सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए लगाएंगे, इसलिए नीचे हमने वो थ्रेड रखी है जिससे कि हमने डिज़ाइनिंग करनी है। अब हम इस तरह से उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए बाजू की, जैसे कि हमने पैटर्न ड्रॉ किया है, इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। और स्टिच लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि इसमें जब हम सिलाई लगाएंगे तो जो चाल होगी मशीन की वो हमने मोटी चाल रखते हुए सिलाई लगानी है, ना ही बारीक नहीं रखनी है ज़्यादा। अब इस तरह से स्टिच कर देंगे जैसे जैसे हमने लाइंस ड्रॉ करी हैं। ये देखिए मैंने स्टिच किया है, अब ये सीधी साइड में इस तरह से आएगा। अब हम एक एक करके सभी लाइंस पे स्टिच लगा लेंगे। अब हम उल्टी साइड पे सिलाई लगा रहे हैं और सीधी साइड पे हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनता जा रहा है। अब इसी तरह से हम पूरा लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने पूरी बाजू में इसको बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। ये रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड है, सीधी साइड ये वाली है। ये देखिए कितना ही प्यारा बना है, कितना सुंदर बना है। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर स्टोन्स का यूज़ कर रही हूँ, ये वाले स्टोन यूज़ कर रही हूँ। मैं इनको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अटैच करूँगी इस तरह से रखते हुए। इस तरह से रखते हुए हम स्टोन्स को फिक्स कर लेंगे। और यहाँ से मैंने ये स्पेस खाली छोड़ी है क्योंकि यहाँ से हमने इसको तुरपाई करनी है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये मैंने इस फैब्रिक ग्लू की हेल्प से फिक्स किए हैं। मैं आपको एक स्टोन फिक्स करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसको फिक्स कर लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। आप इस डिज़ाइन को फुल बाजू में भी बना सकते हो और इस डिज़ाइन को शर्ट के घेर में भी बनाया जा सकता है, कुर्ती के घेर में। शर्ट से मैचिंग कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े की लंबाई जितनी शर्ट के घेर की लंबाई होगी उतना लंबा लीजिए, और जितना चौड़ा आप इस पैटर्न को बनाना चाहते हो उतना चौड़ा कपड़ा लीजिए और उसके ऊपर इस डिज़ाइन को बनाइए। बनाने के बाद इसको शर्ट के मीन्स कुर्ती के पल्ले के ऊपर अटैच कर लीजिए। इस डिज़ाइन को आप प्लाजो की मोरी पे भी बना सकते हो। तो इस तरह से हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। हमने बहुत ही कम पैसों में इतना सुंदर डिज़ाइन बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।